मैं राधिका R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बचे हुए चावल की बहुत ही टेस्टी और एक जबरदस्त रेसिपी शेयर करने वाले हूँ, जिसका मैंने नाम रखा है राइस लीव्स। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रात के बचे हुए चावल लिए हैं। यदि मेजरिंग कप से इसे मेजर करेंगे तो ये 2 कप चावल है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, साथ ही में डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। और यदि आप इसे स्पेशल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। आप यहाँ पर अपने मनपसंद के किसी भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, और जो आपको पसंद नहीं हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह आप यहाँ पर नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चाट मसाला डालने से। 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स हर्ब्स, ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसके बिना भी आप ये नाश्ते को बना सकते हैं। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच मैगी मसाला। यदि आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप इसमें पाव भाजी मसाला का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस नाश्ते का। फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक थोड़ा सा ध्यान से ही डालिए, क्योंकि जब हम चावल बनाते हैं तो भी उसमें नमक डालते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच सूजी। सूजी की जगह आप यहाँ पर चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सूजी या इन सब चीज़ों को बाइंडिंग करने का काम करेगी और जो नाश्ता है ये भी क्रिस्पी बनेगा। और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और पानी का यूज़ हम अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि हमें ऐसा लगेगा कि ज़रूरत है तो हम पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि चावल में ऑलरेडी पानी होता है। तो इस तरह से हम सभी चीज़ों को अच्छे से बाइंड करेंगे और इसे डो की तरह तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बाइंड तो हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़े से पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ अभी। यदि ऐसा लगेगा कि और ज़रूरत है तो फिर मैं और डालूँगी, क्योंकि ये डो एकदम ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो 1 चम्मच पानी मैं और डाल रही हूँ, वापस से अच्छी तरह से मस लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ईजिली से अब बाइंड होने लगा है। तो अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तो आप 1-2 टेबलस्पून पानी और यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे डो की तरह तैयार कर लिया है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर हाथों को ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारे हाथों में ये मिश्रण चिपके नहीं इस तरह से। और इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे। आप ये नाश्ता अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इस तरह से इसे थोड़ा सा लीव का शेप दूंगी, जिस तरह से पत्ती होती है उस तरह का शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह का शेप दे रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शेप में इसे बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो। बस एक चीज का ध्यान रखें, इसकी थिकनेस को एकदम ज्यादा मोटा ना रखें और ना ही एकदम ज्यादा पतला रखें। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका शेप दिया है। अब मैंने यहाँ 1 प्लेट में तिल दी है, तो मैं इस तिल में इसे इस तरह से कोट करूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से हम इस पे तिल को कोट कर देंगे। तिल लगाने से ये नाश्ता खाने में और भी टेस्टी लगता है। अब इसे हम उठाकर एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से सभी लीव्स को रेडी करके हम रख लेंगे। अब नाश्ते तो कई बनाए जाते हैं, लेकिन नाश्ते कुछ अलग तरीके के हों तो घर वालों को भी खाने में मज़ा आता है। जब एक जैसे नाश्ते खा खा कर हम बोर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग नाश्ता बना के खाया जाए। तो जब आपको ऐसा लगे कि कुछ अलग नाश्ता बना के खाया जाए, हम एक जैसा नाश्ता खा करके बोर हो गए हैं, तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। अक्सर घरों में रात में चावल बच जाते हैं और फिर उन्हें ऐसा ही किसी को खाने को दो तो कोई खाता नहीं है, लेकिन उन चावल से हम यदि कुछ अच्छा सा अट्रैक्टिव नया नाश्ता कुछ बना देते हैं तो घर वाले फटाफट खा लेते हैं उसे। तो मैंने सभी नाश्ते को रेडी कर लिया है। यदि आपके पास तिल नहीं है तो आप यहाँ ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन में थोड़ा तेल डालकर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब जो हमने ये चावल का नाश्ता बनाया है इसे हम एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। इस नाश्ते को बनाते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इस पे तिल की कोटिंग करें तो तिल को थोड़ी अच्छी तरह से प्रेस करें, ताकि तिल जो है वो फ्राई करते समय निकले नहीं।
लेकिन ये थोड़ी बहुत तिल तो फ्राई करने पर निकलेगी ही, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए। एक बार में जितने नाश्ते पैन में आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे, एक साथ ढेर सारे भी ना डालें। अब इनमें हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। अब ये हल्के से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम पलट देंगे। तुरंत डालने के बाद इसे ना पलटिए, यदि आप इसे तुरंत डालने के बाद पलटेंगे तो जो इसका शेप है वो ख़राब हो सकता है। अब हम इसी तरह से इसे पलट पलट कर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, मैंने इस तरह से इन्हें पलट पलट कर फ्राई कर लिया है। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ी देर के लिए हम पैन के ऊपर रोक के रखेंगे ताकि जो इसके अंदर का एक्स्ट्रा तेल होगा वो पैन में ही चला जाए। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लगता है इस बचे हुए चावल के नाश्ते का। यदि आपकी बार आपके घर चावल बचे तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिए। यकीन मानिए जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके घर जब भी चावल बचेंगे तो आप इसी नाश्ते को बनाकर खाना चाहेंगे। अब हम इसी तरह से सभी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें भी हम इसी तरह से पलट पलट कर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनमें भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें भी तेल से बाहर निकाल लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे। तो देखिए कितना टेस्टी और यम्मी बचे हुए चावल का ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। इसे आप बच्चों के टिफिन में बनाकर रख सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।